इंग्लिश मुझे बहुत रॉकी लगते हैं, क्योंकि जैसे वो बात करते हैं और उनका एक अंदाज है, सिस्टम है, जैसे वो बोलता है, और इट्स वेरी एंटरटेनिंग. ही रियली वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव एंड ही इज वेरी. ऐसा लगता है कि बिग बॉस का बुखार आलिया भट्ट पर चढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में शो के बारे में बात की. आलिया कंटेस्टेंट और उनके खेल के बारे में काफी अपडेट रहती हैं. रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के प्रचार के दौरान एक्ट्रेस ने एल्विश यादव और मनीषा रानी को सलमान खान के शो के रॉकी और रानी के रूप में चुना. उसने ये भी कहा कि हालांकि उसकी बहन परिवार की निर्विवाद रानी है. अपने चंडीगढ़ दौरे के दौरान आलिया भट्ट से बिग बॉस OTT2 से रॉकी और रानी को चुनने के लिए कहा गया. एक्ट्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा, मुझे एल्विश काफी हद तक रॉकी जैसा लगता है. उनके बोलने का तरीका, उनकी पर्सनालिटी और अंदाज काफी हद तक रॉकी जैसा है. जिस तरह से वह सिस्टम और बाकी कुछ कहते हैं वह बहुत मनोरंजक है. वह वास्तव में अपना दिल अपनी आस्तीन पर रखता है और बहुत मजाकिया है. मैं वास्तव में उसे पसंद करती हूँ, इसलिए एल्विश रॉकी हो सकता है. थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने मनीषा को शो की रानी नाम दिया और फैक्ट दिया, हम उन्हें रानी कह सकते हैं क्योंकि उनके नाम में पहले से ही रानी है. साथ ही मुझे लगता है कि एल्विश और मनीषा एक साथ अच्छे दिखेंगे. दोस्तों, आपको एल्विश और मनीषा की जोड़ी कितनी पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा. वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा.